यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस भी अब मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनता नजर आ रहा है। देश के अलग अलग कोने में इसके विरोध के स्वर गूंजते सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी को कहीं उठाना पड़ सकता है तो वो झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर है। और अब हरियाणा में यूपीएस का विरोध बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के दबाव में मोदी सरकार पेंशन की नई योजना लेकर आई, लेकिन इस योजना पर भी विवाद शुरू हो गए हैं और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा अहम तौर पर उठ रहा है। राज्य के कई सरकारी कर्मचारी इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पेंशन बहाली संघर्ष समिति के सदस्य पूरे राज्य में घूमकर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को साफ तौर पर नकार दिया है। अम्बाला में तो ओपीएस को बहाल करने की मांग को लेकर मार्च भी निकाला गया। मोदी सरकार के खिलाफ इस मोर्चे में संघर्ष समिति ने राजनीतिक दलों से भी समर्थन की मांग की है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि विपक्षी दलों का फायदा होते दिख रहा है। बीजेपी से लोग नाराज हैं और विरोधी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। चुनाव से पहले लोगों में बढ़ते आक्रोश का असर चुनाव के नतीजों पर भी दिखेगा। ऐसे में नई योजना लाकर भी बीजेपी फंस गई है। पहले से ही बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है और अब केंद्र के एक और फैसले से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं विपक्ष लोकसभा चुनाव के वक्त से ही सत्ता में आने पर ओपीएस बहाल करने की घोषणा कर रहा है, जबकि यूपीएस को मोदी सरकार का छल बताया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार एक और यू टर्न लेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।